और जनाब ये बन रहा है पान, देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना भरपूर ख्याल रखें और सबको अपनी दुआ में याद रखें। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जनाब आपको पता है आज हम इस वक्त कहाँ हैं? नहीं पता तो हम बताते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं ऑफ रोड कैफे पे, नेशनल हॉस्पिटल और आगा खान रेस्टोरेंट, आगा खान नेशनल हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट। ये रोड सीधा जा रहा है जेल रोड की तरह। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड से आ रहे हैं स्टेडियम रोड से, तो मेरे राइट साइड पे है न्यू टाउन पुलिस स्टेशन, जो कि यूनिवर्सिटी रोड को कनेक्ट होता है। जनाब बड़ा ही खूबसूरत सा कैफे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और इसकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ दो दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा नहीं है मतलब है बड़ा प्यारा सा कैफे स्टार्ट किया है। और इसकी क्या स्टोरी, अगर वो यहाँ मौजूद हुए तो आपको उनके साथ मिलकर जरूर शेयर करेंगे, हम भी सुनेंगे और आपको भी बताएंगे। छोटा सा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ ऑफ रोड कैफे का। तो मेरे जैसे सामने नजर आ रहा होगा आपको कैमरे में देख के, ये है ऑफ रोड कैफे का आउटसाइड लुक, जहाँ आपको मिल रहे हैं डिफरेंट किस्म के फूड, जहाँ आपको मिल रहा है स्टार्टर, जहाँ आपको मिल रहा है फास्ट फूड, जहाँ आपको मिल रहा है पराठे और गर्मा गर्म चाय। तो चाय की शेदाई यहाँ लाजे विजिट करें, क्योंकि यहाँ का जो एटमोसफेयर है ना बड़ा ही खूबसूरत है। जब आप आएंगे तो आपका दिल खुश हो, ना हो तो पैसे नहीं दिएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा आपको मिलेगी यहाँ पे जनाब अली पांच स्पॉट, जहाँ पे आपको आपकी मर्जी के तरह तरह के पान मजेदार जायकों के साथ आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप फूड से एंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बहुत जबरदस्त गेट टुगेदर भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडोर गेम की फैसिलिटी मिली, यानी आप यहाँ बैठ के अपने दोस्तों के साथ लूडो भी खेल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स देखने के लिए आपको मेरी वीडियो कम्प्लीट वॉच करनी पड़ेगी। तो हम आपको लेके चलते हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम मौजूद है। तो आ जाए हमारे साथ। तो ये देखें जनाब बड़ा ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। जैसे ही आप एंटर होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा जेंट्स का पोर्शन। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप यहाँ फैमिली के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो सेपरेटली फैमिली के बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत सा सेटअप है, आपको वो भी हम दिखाते हैं। यहाँ की लाइटिंग दिखाएंगे और यहाँ का फूड मेन्यू भी आपके साथ करेंगे। तो जनाब हम एंटर हो गए हैं रेस्टोरेंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीटिंग अरेंजमेंट जो इनकी यहाँ पर है उसके ही जस्ट बिल्कुल सामने बड़ा ही खूबसूरत सा आपको एक ड्रिंक बार, ड्रिंक कैफे या आप ड्रिंक पॉइंट बता सकते हैं यहाँ मौजूद है। बड़े डिफरेंट कलर के खूबसूरत खूबसूरत से कलरफुल यहाँ पे आपको फूड कलर्स के यहाँ पे इनके फ्लेवर्स मिल रहे हैं, जो कि डिफरेंट बोतलों में मौजूद है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं और अपनी मर्जी के फ्लेवर का आप यहाँ पे ड्रिंक इनसे बनवा सकते हैं। और ना सिर्फ आपको ड्रिंक मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक के अलावा यहाँ पे आपको पानी भी मिल रहा है, मिनरल वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास डिफरेंट किस्म की जो है बेवरेजेस भी मौजूद हैं। और अगर आप चाहें तो इनके साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे लिमका सोडा। सोडा भी किस तरह से तैयार होता है ये भी आपको दिखाएंगे, और कौन कौन से फ्लेवर मौजूद हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, देखा आपने, है ना मजेदार। तो ये सारे फ्लेवर आपको मिल रहे हैं आज की इस वीडियो में। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और यहाँ पे सोडा वाटर किस तरह से तैयार किया जाता है ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम पहले चलते हैं अपनी टेबल पे, वहाँ हम ऑर्डर करेंगे यहाँ का फूड, और इसके बाद ऑर्डर करेंगे हम यहाँ के ड्रिंक्स, और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ की गर्मा गर्म मजेदार चाय और मजेदार फ्लेवर के साथ तैयार होने वाला पान। तो खाना हम खाएं, चाय पियो, पान ना हो तो ऐसा ना हो, नहीं हो सकता। तो आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा जनाब ये देख सकते हैं आप ऑफ रोड कैफे का मेन्यू, और बड़ा ही जी, और मेन्यू में क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये देखें जनाब, स्टार्टर आपको मिल जाएगा, इसके अलावा फास्ट फूड है इनके पास, इसके अलावा डिप्स है, और इनके पास है पराठा, फ्राइज की सारी वैरायटी आप ये देख सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम स्टार्ट करते हैं पराठा से, तो ये आलू पराठा, बीफ पराठा, चिकन पराठा, ये सारे आइटम इनके पास मौजूद हैं, जो कि आप पॉज करके वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए, ये डिप्स हैं, और इसके अलावा ये है फ्राइज,
फास्ट फूड, मोटा डीला स्लाइस बर्गर, सॉसेज बर्गर, चिकन पेटी बर्गर, हॉट डॉग, बीफ रैप, जिंगर बर्गर, फ्राइड चिकन। और इसके अलावा आप बात करते हैं स्टार्टर की, नगेट्स हैं इसके अंदर, चिकन पॉपकॉर्न है, फ्राइड जिंगर है, क्रोकेट्स हैं, फ्राइड विंग्स हैं, हॉट शॉट्स हैं और ड्रम्स हैं। तो जनाब ये है इनका मेन्यू। और अगर हम बात करें यहाँ पे चाय बेवरेजेस की, और इसके पास है, इनके पास है जनाब कहवा, ठीक है जी। और ये है आपके सामने सारे ड्रिंक्स वगैरह हैं और इनकी सारी वैरायटी, और यहाँ पे इनके प्राइस सारे मेंशन हैं, ठीक है। आलू पराठा हो गया, चिकन चीज़ पराठा हो गया, फ्राइज में आप कौन से करेंगे? एक प्लेट फ्राइज कर दीजिए, ठीक है। सॉल्ट वगैरह, मायो वगैरह सब कुछ नहीं होता? मायो फ्राइज अलग। एक आलू पराठा, एक चीज़ पराठा, एक प्लेन फ्राइज है, और इसके अंदर जिंगर बर्गर है, और एक चिकन पेटी है, और बाकी सलाश और चाय जो हम थोड़ी देर बाद ऑर्डर करेंगे, ठीक है जी। तो जना आप देख सकते हैं आज एक बार फिर से हमारे साथ है सारा यूनिस और उनकी बच्चा पार्टी। हेलो बेबीज, क्या हाल है आपके? सर्दी तो नहीं लग रही? मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके? आ रहा है मज़ा? और आपको? और एक ये बेबी मेरा बड़ा बीमार है, बीमार है भाई, सब दुआ करें मेरा बच्चा जल्दी से सही हो जाए, ठीक है जी। आपको कैसा लग रहा है यूनिस, आप क्या कहेंगे? ट्राई करके बता दो। एटमॉस्फेयर कैसा लगा? एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है। सिलेक्शन कैसी लगी? एज यूजुअल है ना जी? हाँ जी, आपको अच्छा लगा? हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा ना। चलें जी, आप हम फूड मंगवाते हैं, फूड एंजॉय करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा ही लुक दिखाऊं यहाँ का, वाओ। तो जनाब आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा मेन्यू। तो सबसे पहले बारी आती है चिकन पेटीज बर्गर की। ये है इनका चिकन पेटी बर्गर, और जिसके साथ इन्होंने सर्व किया है फ्राइज, मायो और केचप। और आपको अगर मैं दिखाऊं इसकी फिलिंग में, इसका जो पेटी है, वाओ, ये देखिए। और इसके साथ इसका सॉस बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है जनाब आली, ये है चिकन पराठा, और ये है, बल्कि ये है चिकन चीज़ पराठा, जिसको इन्होंने सर्व किया है रायते के साथ, और है केचप। ये देखिए बड़ी खूबसूरती से इन्होंने इसको जो है कटिंग करके इसको सर्व किया है ट्रे में, ये देखिए। और अगर हम बात करते हैं पराठे की, तो इसकी आपको मैं फिलिंग भी दिखाती हूँ, ये देखिए। गर्मा गर्म, खस्ता खस्ता, धुआं निकलता हुआ पराठा, ये देखिए, वाओ। और आगे है हमारा नेक्स्ट आइटम, वो है फ्राइज। ये हमने प्लेन फ्राइज मंगाए हैं, जिसको हमने सर्व किया है मायो के साथ, और ये है केचप। और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है जनाब, ये है मज़ेदार सा जिंगर बर्गर, ये देखें, ये देखिए जनाब जिंगर बर्गर। मैं आपको दिखाऊं इसकी, आप ये देखें ज़रा साइज, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा जिंगर की इसकी कोटिंग हुई हुई है। और इसके साथ इन्होंने सर्व किया इसको फ्राइज के साथ एज यूजल मायो और केचप। और इनके साथ ही आप ये देखें, ये है जनाब आली आपके सामने आ रहा है, ये है चिकन पराठा, सॉरी आलू पराठा। ये आ गया जनाब आलू का पराठा, यानी आलू पराठा। और इसकी भी आपको हम फिलिंग दिखाते हैं, ये देखें, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है चिकन का, थोड़ा क्रिस्पी है, लेकिन ये भी ओवरऑल बहुत टेस्टी। तो ये हमारा कम्प्लीट मेन्यू, और जिसमें बर्गर है, चिकन बर्गर है, जिंगर बर्गर है, और है जनाब मज़ेदार से फ्राइज। तो हम इंजॉय करते हैं यहाँ का फूड, आप इंजॉय करिए वीडियो, फिर हम आपको कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो जनाब अब टाइम हुआ जाता है रिव्यू का, तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं सबसे पहले जो है इनका आलू का पराठा, इसको डिप करेंगे। ये आ गया गर्मा गर्म, मसाला वाला बिल्कुल, फीलिंग बड़ी अच्छी है इसके अंदर आलू की, और साइडें जो इसके क्रिस्पी हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चिकन की तरफ जाते हैं, चिकन को ट्राई करते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, एज पर कंपेयर टू आलू का जो पराठा है, उससे ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है चिकन का। क्या रीज़न है? दो तो सबकी सेम होती है, फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन आलू का पराठे की बात अलग है, चिकन के साथ जब आप जाएँ चिकन की है। और इसी तरह हमारे पास जिंगर है, चिकन पेटीज का बर्गर है, और फ्राइज है,
तो ये सारी चीज़ें हम इंजॉय करते हैं और तमाम चीज़ें इंजॉय करने के बाद आपको कंप्लीट रिव्यू देते हैं और आपसे मिलते हैं इस वीडियो के बाद। अच्छा जी, हम आ गए हैं इस वक्त इनके लिम्का बार पे, ठीक है, लिम्का बार कह लें, लिम्का जो मर्जी आप कह लें, बड़ा खूबसूरत सा मैंने आपको दिखाया कि ये इनका बार है जहाँ मिल रहे हैं डिफरेंट किस्म के लिम्का स्लश और स्मूदीज। हम जाएंगे जनाब लिम्का की तरफ, एक आम ले लेते हैं, लिम्का पाइनएप्पल पंच ले लेते हैं स्लश में, और क्योंकि ये फ्लेवर स्लश में अच्छा लगता है, सही है, और एक ले लेते हैं हम पोमीग्रेनेट।
तो जनाब वेलकम है आपका सबका मेरे इस ड्रिंक बार में, जहां आपको मिलने मिल रहा है स्लश, लिमका सोडा और पाइनएप्पल स्लश। ये तमाम वैरायटी आपको मिल रही है। जैसे कि आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत सा ये है बार है, बड़ा खूबसूरत, मोस्टली आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज आप लाइव देखें, एंजॉय करें, और खाली वीडियो में देख के एंजॉय नहीं करना, आपने यहाँ लाजमी विजिट करना है। एक एक चीज आउट क्लास है, यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सर्विसेज, और अगर आप बात करें आखिर में यहाँ के स्लश की और ड्रिंक्स की, तो वो तो आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने ट्राई कर लिया, आप भी ट्राई करें और हम दोबारा से इसको कम्प्लीट इंजॉय करते हैं, फिर टेबल पे चलते हैं। चलिए जी आ जाए। वन टू थ्री स्टार्ट। तो जनाब ये चार हमारे सामने फ्लेवर हैं जो हमने आपके सामने तैयार करा है, जिसमें पोमेग्रेट है, जिंजर है, फालसा बेरी और ये है पाइन एप्पल। तो ट्राई हम वहाँ पे काउंटर पे ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें से तमाम चीज़ें पास हैं, लेकिन अब हम इसको कंप्लीट इन्जॉय करेंगे, तो आप वीडियो को इन्जॉय कीजिएगा। और तो जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इस वक्त मौजूद हैं ऑफ रोड रेस्टोरेंट में, जहाँ आपके मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं इस जो है रेस्टोरेंट की स्टोरी, वो क्या स्ट्रगल है, किस तरह से इन्होंने इसको स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया, सारी डिटेल उनसे जानते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, तो अच्छा अब सब दोस्त जॉब करते थे हम ना, तो हमने कहा यार जॉब कर करके थक चुके हैं, तो कुछ अपना करते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे दोस्तों के पास थी, थोड़ी हमारे पास थी, तो हमने कहा चलो एक इन्वेस्टमेंट करके, हम थोड़े फूडी भी हैं, तो हमने कहा चलो जब किसी का शौक है, और मैं बेसिकली मेरी फील्ड भी है ये, मैंने कौतम से ग्रेजुएट किया हुआ है, सही है, तो मैंने कहा मेरी फील्ड भी है ये, शौक भी है, तो एक कैफ़े स्टार्ट करते हैं। तो बस ये हम लोग बैठे हुए थे और हमारा दिमाग लगा कि भाई हम नाम ये रखेंगे और इस तरह करेंगे, सब कुछ हमने किया और देखा, बस रैंडमली हमने बस स्टार्ट किया है, हमने सारे वेंडर्स बुक किए हैं और बस काम स्टार्ट किया, पेंटिंग वेंटिंग करवाई है, और माशाल्लाह देखें आप कितना अच्छा हो गया सब, एम्बियांस वगैरह और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, हमारा एकदम से मशहूर प्लेटर हो चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक शौक था और एक पैशन था ये, यार ये स्टार्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ऐसा रिस्पॉन्स है कि मैं और मेरे दोस्त, मतलब कि अब हमने ये सोच लिया कि इंशाल्लाह इसको बहुत आगे लेके जाना है और इसकी ब्रांचेस करनी है हमें, मतलब इंशाल्लाह हमें बहुत आगे जाना है इसके ऊपर ना, तो बस ये है। अच्छा, कोई सिग्नेचर आइटम आप अपना बताएं, कोई जो खास हम आप रिकमेंड करेंगे कराची वालों को कि आप यहाँ इसको लाजमी ट्राई करें? मैं कहूँगा मेरे दो चीज़ें लाजमी ट्राई करें, एक बीफ रैप मेरा और एक मेरा हॉट डॉग, ये दो चीज़ें लाजमी ट्राई करें, और जिंगर बर्गर भी मैं भूल गया, इसकी क्यूरीज बहुत है मेरे पास, बहुत ज़्यादा लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं कि आप ये खाएं, और मतलब और भी लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाके बीफ रैप खाओ, तो यहाँ का बीफ रैप और जिंगर और हॉट डॉग बहुत अच्छा। मुझे भी आपका जिंगर बर्गर पसंद आ रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई वीडियो के देखकर कोई आता तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर कोई डील है, कोई डिस्काउंट है क्या? नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत वैसे अच्छे हैं, और इंशाल्लाह जो भी आपके ब्याह पे आएगा इंशाल्लाह उसके लिए कुछ ना कुछ हम एक प्रोटोकॉल बहुत अच्छी देंगे, और कुछ ना कुछ इनके लिए कोई नई डील निकालेंगे। नहीं जी, आप भी बहुत अच्छे हैं और हमारे कराची वाले सब बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। क्यों सारा भाई बहुत अच्छा लगता है, जो दो या तीन जो भी दोस्त हैं आपस में मिलके इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। बिजनेस करो बस भाई, बिजनेस में बहुत फायदा है, एकता होनी चाहिए ना आप लोगों में, है तो आप लोगों ने किया है। थैंक यू। उसका रिजल्ट आपके सामने, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है, इंडिया बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत, और आने वाली सर्दी में मैं तो कह रही हूँ बस जल्दी से सर्दियाँ आए और यहाँ बैठ के अगर आप चाय कॉफी एंजॉय ना करें तो पैसे मैं दूंगी, क्या कहते हैं आप? पैसे मैं दूंगा अगर आपने एंजॉय नहीं किया, इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लाफ फेस लाफ फेस। और आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी। तो ओवरऑल फूड बहुत औसम था, हर चीज़ बहुत अच्छी है, तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी और हमें पसंद आई, पराठे, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर, जो जो हमने ऑर्डर किया। तो आप लोग लाजमी विजिट कीजिएगा, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर गिवेन है, आने से पहले अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट ये बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जो दो दोस्तों ने मेरी जो है यहाँ पर अपनी दोस्ती को और मोहब्बत का साथ सबूत दिया, और हम सब के लिए कराची
वालों के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हमारे लिए तैयार किया है, तो आप लोग लाजमी यहाँ पे विजिट करें। और आने वाले टाइम में सर्दियाँ आ रही हैं, जैसे आपको पता हो इस मौसम, सर्दियों के मौसम में यहाँ बैठ कर चाय कॉफी और स्लश इंजॉय करने का अपना ही मजा होगा। तो मुझे दें इजाजत, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब माई चैनल विच इज ब्लॉग बाय समीना अंजुम। अल्लाह हाफिज़। खाना खा लिया, चाय पी ली, लिमका पी लिया, सब कुछ आपने खा लिया और आप आ रहे हो, पान ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई, बहुत गुना मिलेगा ठाकुर, तो पान बनवाते। क्या डाल रहे हैं भाई इसके अंदर? सौंफ डाल रहा हूँ, मेथी डाल लिया, खुशबू है, जितने खुशबू कहता हूँ। पान बना रहे हैं? वाओ जबरदस्त। इसको आप ये पान के अंदर छालिया है क्या? सनी छालिया, सनी छालिया, ये मीठी छालिया, मीठी छालिया, मीठी छालिया, मीठी छालिया। अच्छा, तो ये हम रोल करेंगे तो ये पान बन जाएगा? नहीं, ये आया ना, ये क्या है, ये क्या होता है भाई? ये खुशबू है, खुशबू लगा के आओ ना ठाकुर, खुशबू लगा के।